फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑन करते हैं अपना पीएचपी सर्वर जो कि ऑन हो गया, और यहाँ पे अब अपने पहले जो मेन फाइल हम उस पहले दिन पहले वीडियो में बनाए थे उसके यहाँ चलते हैं। यहाँ पे हम ना देंगे लोकल होस्ट, दैट इज लोकल होस्ट स्लैश MPS। तो समटाइम इट विल बी ओपन। ओके, तो ये हमारा पहला पेज है, अपने हेडर के लिए बना लिया था। अब थोड़ा इसमें कुछ डिज़ाइनिंग देता है, पहले हम अपना खाका तैयार करेंगे, हेडर का, साइड का और फुटर का। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हम अपना ओपन करते हैं ये सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। और यहाँ पे एक तो मैंने अपना लोगो का दे दिया, अब यहाँ पे साइड देते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए ड्यू लेते हैं, ड्यू एंड दिस ड्यू कॉल्ड आईडी, आईडी इक्वल टू साइड। ओके, सेव करते हैं और यहाँ पे डॉट सॉरी हैज साइड। ओके, तो अब इसको हम पहले मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं ताकि ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं। मार्जिन स्लैश लेफ्ट इक्वल टू 200 पिक्सल्स, देन विथ इक्वल्स, अब 1000 में से हमको उसको छांटना है कितना हमको वेट चाहिए। तो हमको चाहिए 1000 में से हम इसको साइड के लिए ले लेते हैं 250। हाइट आपको भी फिलहाल हाइट हम इसको देते 500, बिकॉज जैसे नीड पड़ेगी वैसे हम ले लेंगे। और लास्ट में इसका भी बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर और दिस। ओके, सो कलर फॉर एग्जांपल रेड दे देते हैं। और हाँ, इसका थोड़ा सा बॉर्डर हम दे देते हैं लेफ्ट वाला की समझ में कहाँ तक है बॉर्डर। लेफ्ट इक्वल टू 5x सॉलिड ग्रीन कर देते हैं। ओके, जस्ट सेव्ड, आई एम गोइंग टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। रिफ्रेश करते हैं, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साइड भी आ गया। अब हमको इसमें क्या करना है, बॉडी लेना है, तो साइड के बगल में हमारा बॉडी रहेगा, सॉरी हमने लेफ्ट में दिया है, ये हमको राइट में देना है। जो ये लेफ्ट है तो हमको RIGST कर देना है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये साइड बना लिया, अब हम इसका जो है जो हमारा जो मेन पेज होगा, ये जो पेज है इसको हम बनाएंगे। इसके लिए हमने डिव टैग इसमें ले लेते हैं, क्या डे दिस डिव
अब इसका हम आईडी दे देते हैं, आईडी आई थिंक पेजेस, ठीक है। इसमें हमारा जो भी पेजेस कंटेंट वगैरह जो भी रहेगा वो रहेगा, ठीक है दोस्तों। सेव करते हैं और यहाँ पे फिर एक आईडी लगा के हमारा नेम क्या था, पेजेस। ओके सो इसका पहले मार्जिन लेफ्ट से देते हैं, हमको मार्जिन कितना देना होगा, मार्जिन मार्जिन लेफ्ट इक्वल टू 200 हमको हटा के देना पड़ेगा ना, 200। और 200 के बाद हमारा क्या है, 5 पिक्सल का बॉर्डर हमने लिया है, तो 205 करके करना पड़ेगा। तो मार्जिन लेफ्ट इक्वल टू 2 एंड 2, और ये 250, 255 करना पड़ेगा, मतलब 455 px। नेक्स्ट में हमको विड्थ लेना है इसका। अब 455 हमको क्या करना है कि 255 में अगर हम करते हैं तो हमारा बचेगा 750, मतलब 745 देना है इसका विड्थ। विड्थ हमको देना है 745 पिक्सल। ओके एंड हाइट जितना हम उसका दिए हैं साइड का उतना दे देते हैं, 500 फिलहाल के लिए। अब इसका भी बैकग्राउंड दे देते हैं भाई, इसका कुछ बैकग्राउंड सेम देते हैं, जैसे हम इसका ग्रीन नहीं, ग्रीन अच्छा नहीं रहेगा, इसका हम दे देते हैं पिंक। सो सब चीज़ तो सेव हो गया, अब एक बार सेव करके चलते हैं अपने ब्राउज़र ओपन करके देखते हैं इसको। तो हमारा ये शायद कुछ प्रॉब्लम, ओह ये नीचे आ गया, हाँ आप समझ गए कि नीचे इसको इसको हमको ड्यू टैग जो है हमारा उसी ड्यू टैग में लेना पड़ेगा इसको। सो हमको ड्यू आई थिंक चेंज नहीं करना है, कोड एडिटर खोलते हैं और अपना ये जो ड्यू टैग मैंने हमने नया लिया है इस ड्यू टैग को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम या फिर इसी को सॉरी इसमें अंदर ड्यू टैग डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया है क्योंकि उसका वो मार्जिन हम इसको ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो करेंगे तो ये आके जो 200 पिक्सल ये वाला मार्जिन लिया है वहाँ से ले लिया, तो ये कवर कर लेगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं और जो 200 मार्जिन लेफ्ट ये हमने दिया है इसको, तो इसमें से हम इसको केवल 200 माइनस कर देते हैं, तो 255 ही रहेगा। ओके ये हो गया हमारा डन। तो हमारा हेडर, ओ और एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे, यहाँ पे हमारा एक क्या रहेगा, मेन्यू छूटा हुआ है। मेन्यू के लिए हम क्या करते हैं, तो हम हेडर के डायरेक्ट नीचे जो हमारा हेडर है, हेडर क्या है ये है, और इसके नीचे हम एक नया ड्यू टैग लेते हैं ड्यू, और जिसकी आईडी हम देते हैं मेन्यू, आईडी मेन्यू। एंड लास्ट टाइम आई ये हम फुटर का भी ले लेते हैं एक, ड्यू इक्वल टू आईडी फुटर। ओके सो गो इन सीएसएस एंड एडिट, यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी मेन्यू, उसका हम साइज और स्टाइल देंगे। ओके चलिए दोस्तों अपने स्टाइल वाले में आते हैं, और यहाँ पे इसका हाइट विड्थ वगैरह वगैरह हम दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मार्जिन देते हैं, अब लेफ्ट से हमारा जो मार्जिन है वो कितना है ये देखना है हमको। ओके मार्जिन जो लेफ्ट से हम मार्जिन दे रहे हैं सबको सेम देंगे, तो 200 पिक्सल हम दे देते हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको विड्थ देनी है, कितना विड्थ हमारा रहेगा, तो विड्थ हमको हेडर के बराबर देना पड़ेगा ना, जो हमारा लोगो है उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो हमारा विड्थ है 1000 पिक्सल्स, एंड हाइट
हम दे देते हैं आपको 50 बिकॉज ऑफ इट्स, ये क्या है हमारा मेन्यू है, बैकग्राउंड इसका हम दे देते हैं वाइट। ओके और इसका बॉर्डर लेफ्ट, फाइव पीएक्स सॉलिड वाइट। ओके दोस्तों अब चलिए हम अपना चेक करते हैं ब्राउजर पे, आगे हम अपने ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ब्राउजर हो रहा है। सो अब यहाँ पे जो हमारा मेन्यू है वो आ गया है। जो मैंने हमने वाइट दिया है उसको हमको ग्रीन करना है, सॉरी कि फॉर एग्जांपल हम सबको पहले तो बैकग्राउंड वाइट करते हैं और सबको एक स्पेसिफिक बॉर्डर में उसको घेर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी चलिए पहले हम ये करते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना एडिटर खोले, जिस जिस का बैकग्राउंड हमने रेड किया है उसको हमको बस क्या करना है, हमको वाइट करना है। ठीक है, ये हमने वाइट किया, ये भी हमने वाइट किया, ये जो पिंक है इसको भी हमको वाइट ही करना है, बस सब वाइट है तो वाइट ही रहे। और अब सबका लेफ्ट और राइट सब वो हम दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट फोटो हमारा ये लोगो है तो इसका बॉर्डर लेफ्ट ग्रीन 5 पिक्सल हमने दिया है सब में, तो 5 पिक्सल जो दिया हमने इसको मैन्यू का ग्रीन देना, ग्रीन कर दिया, इसको भी ग्रीन कर दिया, इसको भी ग्रीन कर दिया। और यहाँ पे जो हमने लेफ्ट का जो बॉर्डर दिया है ऑलरेडी लेफ्ट का हो गया, हमको इसको यहाँ पे राइट कर देना है। ओके सो ये ग्रीन होगा, ग्रीन सॉरी मैंने। ओके सो चलते हैं आप, इसको भी हम कॉपी करके और पेस्ट कर दे रहा है, ये पेस्ट हो गया, इधर को राइट है, ठीक है। और ये एक लास्ट वाला हमारा ये है, और एक हमको ज़रूरत पड़ेगी फुटर के, जब हम फुटर अपना बनाएंगे तो फिलहाल हम इसको ही चेक कर ले रहे हैं। ये हमने इसको रिफ्रेश किया, ये हो रहा हमारा रिफ्रेश। ओके सो दोस्तों सब हमारा जो है, यस जो हमारा जो मेन्यू सॉरी क्या बोलते हैं मेन्यू का तो ठीक है, बट जो हमने अपना बॉडी का लगाया है तो बॉडी का इधर का भी तो लेगा ना, तो फिर हमने क्या करना है, पेज का जो राइट वाला जो है साइड का जो राइट है या फिर पेज का लेफ्ट है इसको हटा देते हैं और सेव कर देते हैं। एंड मोर थिंग इज़ दैट मेन्यू में भी हमको डाउन वाला देना पड़ेगा बॉर्डर टॉप एंड बॉर्डर बटन बटन का, फॉर एग्जाम्पल हम बाद में इसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है सो यहाँ पे बॉटम ये हमने कर दिया, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। सो गो ऑन योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट, यस एवरीथिंग इज रेडी एंड वी हैव टू मेक, अब हमको फुटर बनाना है इसका। चलिए तो फुटर हम बनाते हैं, सेम चीज़ जैसे हमने जब किया उसका, यहाँ पे अपने इंडेक्स फाइल में जाते हैं और यहाँ पे एक और हमने जो फुटर का दिया है आईडी फुटर दे दिया है, सो हमको बस सीएसएस में करना है, जहाँ मेन्यू था मेन्यू में कर दिया, अब यहाँ पे हमने आईडी दिया है जो फुटर करना है। सो चलिए
दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक्सप्लेन करके बताया गया है, आपको समझ आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अब हम फुटर का दे देते हैं। सेम चीज़ हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोगो का है, लोगो का ही हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, बिकॉज सेम साइज एंड सेम थिंग विल देयर। सो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और जो हमारी जो हाइट है उसको हमने ज़्यादा नहीं करके हमने इसे 70 पिक्सल कर देना है दोस्तों। सो हमने 70 पिक्स कर दिया, और लेट्स चेक ऑन योर ब्राउज़र। यस, सो फुटर इज ऑल्सो, फुटर हमारा आ चुका है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमको फुटर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक फुटर है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि अपना टॉप पे, फुटर के टॉप पे एक बॉर्डर लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, स्टाइल्स में गए, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बॉर्डर। नीचे जो था एक हम बॉर्डर बटन, नहीं सॉरी, ये तो टॉप होगा ना, टॉप का मुझे बॉर्डर चाहिए। तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, हमको ये स्पेसिफिक करना होगा कि हमको कहाँ कहाँ क्या करना है। जैसे अब लोगो है तो इसमें हमको क्या रखना है, इसमें हमको साइट लोगो एंड हीडर, हेडर हो गया, एंड दिस इज मेन्यू, मेन्यू ऑप्शंस, दिस इज साइड बार, एंड हियर इज दिस इज बॉडी और pages, and this is the footer area. Okay, so अब सेव करते हैं दोस्तों, और चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और इसको हम क्या करते हैं कि देखते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ कि सब चीज़ हमारा वैसे का वैसे आ गया, बट अब एक प्रॉब्लम हमें आ रही है, ये लोगो, साइट लोगो एंड, यस यस यस, बिकॉज हमने ये जो दिया है वो हमारा इधर आ रहा है, बिकॉज वो तो हमने इमेज के लिए बनाया है, हमको ड्यू टैग के अंदर देना है ना, ड्यू टैग के अंदर। ओके, यहाँ पे आते हैं हम, और जो ये साइट का हमारा लोगो है, हेडर, सो वी हैव टू कीप इट, जो क्लास हमने लोगो का दिया है यहाँ पे फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं, ये हटा दिए, और ये रखने के बाद हमको इमेज और सर्च वगैरह करना नहीं है। तो हम जब आएंगे अगले वीडियो में, जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे, तब आके हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एंड दिस, ओके, साइड जो हमारा है वो अब दिक्कत कर रहा है, क्योंकि जो ये हमारा बॉडी का पेज है वो नीचे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हमको क्या करना होगा कि इसको भी चल के चेंज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो हुआ, दिस इज़ फॉर मेन्यू, अब मेन्यू वाला हमको समझ नहीं आते, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको मेन्यू को भी टॉप में दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा मेन्यू समझ में आया बस, तो मेन्यू का भी हम यही वाला जो बॉर्डर है हमारा, इसको कॉपी करके मेन्यू में हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए यहाँ पे, एंड सेव कर दिए। ओके, दिस इज मेन्यू। और हम क्या करना है कि यहाँ पे अब हमने सब चीज़ अपना कंप्लीट कर लिया, बस इसमें अब हमको डिज़ाइन करना है। मैंने लेआउट तैयार कर लिया है, मतलब कि खाका हमने बना लिया है। सो दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हेडर में अपना लोगो लगाएंगे, फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह होगा, फिर मेनू बनाएंगे, साइड बार बनाएंगे, बॉडीज बनाएंगे, एंड लास्ट में हम अपना फुटर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो
तो फिर ठीक है, फिर तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।